शहर में बारिश हो रही थी, जबरदस्त बारिश हुई, एक आधे घंटे की बारिश हुई। मालेगांव शहर में गैर कानूनी जमीन बेचने वाले जमीन माफियाओं के खिलाफ इन गरीब आवाम को इनको फंसाया जा रहा है। इनके घरों के अंदर मामूली सी बारिश से आधा आधा घर इनका डूब गया। मासूम मासूम बच्चों को हम लोग तैर के डूब के निकाले। अगर जो और 10-15 मिनट बारिश हो जाती और 15-20 मिनट रुक जाता, अंधेरा हो जाता, पानी बढ़ जाता, लाशें उठाना दुश्वारी हो जाती। हमने तहसील प्रांत तुम्हारा तलाटी एडिशनल एसपी जिला एसपी मैडम सबसे बात की, सबको बताया। इन लोगों ने बाकायदा वहाँ पे आके पंचनामा किया। पंचनामे में सर 54,71,000 रुपया इन 100 घर वालों का, इन गरीबों का पैसा पास किया गया। आज 13 से 14 दिन निकल गया है, लेकिन इन गरीबों को चेक नहीं दिया गया, इनका पैसा नहीं दिया गया। अभी माजी में यह हादसा होने से चंद दिन पहले सर नान गांव में हादसा हुआ, 2 से 3 दिन के अंदर निकल साहब उनको बाकायदा चेक दिया गया। सटाना के पास में मामला हुआ, उन गरीबों को चेक दिया गया। तो हम पूछना चाह रहे हैं, आज मोदी सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, क्या यहाँ के अधिकारी, यहाँ के रिद्वान, ये मेन अधिकारी जिम्मेदार हिंदुस्तान की आवाम से, मालेगांव शहर की अकलियत की माइनॉरिटी की आवाम के साथ में फिरका परस्ती का खुला मुजाहरा कर रहे हैं सर? ये फिरका परस्ती कर रहे हैं चेयर पे बैठ के, मोदी सरकार की आंख में धूल झोंक रहे हैं। मैं पूछता हूँ, नांदगांव के लोगों को चेक दिया गया, सटाना के लोगों को चेक दिया गया, तो मालेगांव शहर की गरीब आवाम को क्यों नहीं? हमारा ये मुतालबा है। आज राशन दुकान वाले सब चढ़ के बोल रहे हैं, हर राशन दुकान वाला अपनी दुकान के पास उसका जहाँ घर है दलंगे से इन गरीबों का अनाज चुरा रहा है और इन्हीं गरीबों को बेच रहा है। 2-3 रुपया किलो वाला चावल इनको 25-30 रुपया किलो में दिया जा रहा है और एफडीओ की आँख बंद है, तहसीलदार खामोश है, प्रांत तो खामोश है। यहाँ का आजी एमएलए माजी एमएलए ये सब की मिली भगत है।